धालीवाल श्री समृद्धि क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है फाइव लॉज, तो उसमें हमने एक पार्ट में देखा उसका परिचय। आज हम शुरू करेंगे उनके पांचों जो सूत्र है, आपके पांच सूत्र, उन पे विस्तृत व्याख्या करेंगे। यह आपके सामने श्री समृद्धि क्लासेज की सीरीज किस लिए आ रही है? आप अस्तित्व ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिसमें अब तक 40 पेपर हो चुके हैं, तो उनकी विस्तृत व्याख्या की श्रृंखला आपके बीच में शुरू की हो चुकी है, जिसके 10 पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है और आगे आपका 12 नंबर जो पेपर है, पेपर का सॉल्यूशन आएगा जिसमें इसी टॉपिक से 50 क्वेश्चन रहेंगे कि अप्लाइड क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा उद्देश्य है कि जो भी लाइब्रेरियन पुस्तकालय में पहुंचे तो वह किस तरह से अपने जीवन में इन पांच फाइव लॉज को अपने जीवन में उतारे, तो उसी लिए आपके बीच में यह श्रृंखला श्री समृद्धि क्लासेज की तरफ से आ रही है। तो आपको श्री समृद्धि क्लासेज का नवाचार पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज के फाइव लॉज हमारे टॉपिक पर, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र, तो हमारा पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए। पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स आर फॉर यूज। तो रंगनाथन महोदय यह कहना चाह रहे हैं कि पुस्तकें सभी के लिए उपयोग के लिए। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में पुस्तकें केवल संरक्षण के लिए थी। मुद्रण काल से पहले की बात करें तो पुस्तकें केवल संरक्षण के लिए थी। तो इसके ऑपोजिट पूछा जाता है पुस्तकें संरक्षणार्थ, यह जो है रंगनाथन के फाइव लॉज में पहला सूत्र जो पुस्तकें उपयोग के लिए है, इसका यह अवहेलना करता है कि पुस्तकें संरक्षण के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में पुस्तकों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इस सूत्र को सभी यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि पुस्तकें आज के युग में हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गई। तो पहले इस चीज पे इसलिए जोर दिया जा रहा था कि मुद्रण कला से पहले, क्योंकि वह प्रतियां एक धरोहर के रूप में थी और एक विशेष वर्ग ही उनको यूज कर पा रहा था। तो रंगनाथन महोदय अपने फाइव लॉज में कहते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है देखते हैं, उनका कथन आता है डॉक्टर रंगनाथन महोदय स्वयं फाइव लॉज में लिखते हैं रंगनाथन महोदय, उपनिषद उपनिषद के आचरण के नियम में सत्यमवद सत्यमवद तथा न्यूटन महोदय के गतिशीलता के नियम गतिशीलता के नियम वो रंगनाथन महोदय इस सूत्र को बताना चाह रहे हैं कि उपनिषद का जो आचरण का नियम है जिसमें सत्यमवद और न्यूटन महोदय की गतिशीलता का नियम,
जिस तरह से ये दोनों नियम अपने आप में सार्वभौमिक और प्रमाणित है, उसी तरह से फाइव लॉज का पहला सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए है, यह अपने आप में प्रमाणिक है। जब से रंगनाथन महोदय ने इन सूत्र का प्रतिपादन किया, तब से लेकर के आज तक इस सूत्र के कोई भी अवहेलना नहीं कर पाया, क्योंकि इस सूत्र की प्रमाणिकता उन्होंने इन दोनों नियमों की से ही दी है। इस तरह से तो वर्तमान की स्थिति, पहले जहां पुस्तकें केवल भंडार के लिए या उन्हें लोहे की जंजीरों में बंद करके रखा जाता था, क्योंकि महाभारत की एक प्रति लिखने में ही पूरा जीवन खप जाता था, तो इसलिए पहले संरक्षणार्थ पर जोर दिया जा रहा था, और वर्तमान में पुस्तकों के सर्वाधिक उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, और इस सूत्रों की प्रमाणिकता आज भी यथार्थ है। तो आइए हम देखते हैं कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं और पुस्तकालय में किस तरह से पुस्तकों का आगमन हो, और इस सूत्र को कि मुख्य बिंदु क्या क्या है दिए हैं, तो उन पे हम चर्चा करते हैं एक एक पे। पहला बिंदु उन्होंने दिया है पुस्तकालय की स्थिति। पुस्तकालय की अवस्थिति, यहां पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तो पुस्तकालय में पुस्तकों का उपयोग सर्वाधिक किस तरह से होगा, तो उनके लिए पुस्तकालय की स्थिति बताने पर जोर दिया है कि पुस्तकालय ऐसे स्थान पर हो जहां अधिक से अधिक पाठक पुस्तकों का उपयोग कर पाए, अधिक से अधिक पाठक पुस्तकों का उपयोग कर पाए। तो किस तरह से उपयोग होगा और वह स्थान सुनिश्चित कैसे होगा, तो प्रत्येक पुस्तकालय के कुछ मापदंड दिए हैं डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने। तो हम देखते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां पे सर्वाधिक पाठक आसानी से पहुंच सके, इस सर्वाधिक पाठक पुस्तकालय तक पहुंचे, और किसी नगर में, नगर के बीचों बीच, या पाठक सर्वाधिक पहुंच, पाठक की सर्वाधिक पहुंच आसानी से हो जाए, पुस्तकालय ऐसी जगह पे होना चाहिए। और विद्यालय पुस्तकालय की बात करें हम, कि विद्यालय पुस्तकालय किस स्थान पर होना चाहिए, तो विद्यालय के बीच का जो सेंटर होता है, परिसर के मध्य में, विद्यालय के मध्य में, जहां पे विद्यार्थी की पहुंच, प्रत्येक विद्यार्थी आसानी से विद्यालय में पहुंच सके। अब बात करते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की, तो मुख्य जो विद्यालय और महाविद्यालय का प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार उसी के जस्ट पास में, क्योंकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अलग अलग संकायों में बंटा होता है और बहुत ही विस्तृत होता है। तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं पुस्तकालय के दूसरा जो दिया है उन्होंने, पाठक का समय। पुस्तकालय का समय,
पुस्तकालय की स्थिति में एक तुलना आती है रंगनाथन महोदय की दुकानों से। इस बिंदु पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुकान पर भीड़ नजर आती है तो उस दुकान की क्या खासियत रहती है कि उस दुकान पर ही भीड़ क्यों, जहां पे सर्वाधिक आवाजाही या सर्वाधिक आगमन जिस तरह से दुकान पर होता है उसी तरह से पाठकों का आगमन पुस्तकालय की ओर हो, तो पुस्तकालय की स्थिति इस तरह से हो कि प्रत्येक पाठक पुस्तकालय में पहुंचे। दूसरा जो टॉपिक उन्होंने इस सूत्र में लिया वो है पुस्तकालय का समय। खास बात इसकी रहेगी, आपको विशेष जोर पुस्तकें उपयोग के लिए है तो इसमें हमारा मेन बिंदु ही पुस्तकालय ही रहेगा। पुस्तकालय अप्लाइड क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि रंगनाथन महोदय के 5 लॉज को समझना बहुत ही जटिल है, किंतु हम अगर उसी वेज में देखें और उसको समझ करके करें तो बहुत ही आसान होते हैं। तो पहले लॉज का हमारा तात्पर्य पुस्तकालय को जहाँ पे इम्पोर्टेंस दी है वही हम उसको इसी लॉ में मानेंगे। अब बात करते हैं पुस्तकालय के समय की। तो पुस्तकालय का समय हम प्राचीन समय से देखें तो केवल पुस्तकालयों का यूज कब खोले जाते थे कि या तो उनकी सफाई करनी हो धूल मिट्टी को हटाने के लिए, या फिर कीड़े मकोड़ों की सफाई के लिए ही पुस्तकालय खोले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में बदलाव आया और 19वीं शताब्दी सप्ताह में एक दिन सप्ताह में केवल एक दिन ही पुस्तकालय खोले जाते थे। तो उसी स्थिति को देखते हुए रंगनाथन महोदय का यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आता है वह स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाठक पुस्तकालय सर्वाधिक समय तक खुलने में होने वाले व्यय खुलने से होने वाले व्यय से कहीं ज्यादा लाभ होता है। यह डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि पुस्तकालय सर्वाधिक समय में खुलने से होने वाले व्यय से कहीं ज्यादा लाभ होता है। तो उन्होंने पाठकों के समय की महत्ता को देखते हुए उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि पुस्तकालय में पुस्तकें जब भी उपयोग होगी जब पुस्तकालय सर्वाधिक समय तक खुला रहेगा। इसी तरह से एक स्टेटमेंट आता है ब्रिटेन की शिक्षा मंडल से, ब्रिटेन के एजुकेशन बोर्ड से मंडल के प्रतिवेदन में वो कहते हैं कि प्रत्येक पाठक ऐसा कोई भी समय नहीं है
जिस समय व्यक्ति पुस्तक की कमी को महसूस ना करे, महसूस नहीं करता, ब्रिटेन के शिक्षा मंडल ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक की कमी को महसूस नहीं करता हो, क्योंकि पुस्तकें जब भी उपयोग होगी जब पुस्तकालय सर्वाधिक समय खुले रहेंगे। वर्तमान में स्थितियां बदल चुकी है, 20वीं शताब्दी के बाद पुस्तकालय सर्वाधिक समय तक खुले रहते हैं। अब तो वर्तमान में 24 घंटे भी कुछ विद्यालय कुछ पुस्तकालय खुले रहते हैं। और रंगनाथन महोदय बताते हैं कि विद्यालय के पुस्तकालय का खुलने का क्या क्रम रहना चाहिए। तो विद्यालय में बच्चों की स्कूलिंग व्यवस्था से पहले शुरू होने से 2 घंटे पहले तथा स्कूल के बंद होने के 2 घंटे बाद तक विद्यालय का पुस्तकालय खुला रहना चाहिए। तो बच्चे विद्यालय में जिस तरह से किस तरह से उपयोग कर पाएंगे, विद्यालय समय में ही अगर पुस्तकालय खुलता है तो उन्हें एक कालांश पर्टिकुलर पुस्तकालय का ही दे दिया जाए जिससे उनके बीच में रीडिंग हैबिट्स उपज हो। तो विद्यालय के खुलने से 2 घंटे पहले और बंद होने के 2 घंटे बाद तक विद्यालय पुस्तकालय खुला रहना चाहिए। और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बात करें, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बात करें तो रंगनाथन महोदय बताते हैं कि अधिक से अधिक समय तक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुले रहने चाहिए। मध्य रात्रि 8 बजे तक तो कम से कम खुले रहने ही चाहिए। तो इसमें अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय का पुस्तकालय सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि तक खुला रहता था। तो इसी तरह से और सार्वजनिक पुस्तकालय 24 घंटे ही खुले रहने चाहिए और कम से कम 10 से रात्रि 8 बजे तक तो कम से कम खुले रहने ही चाहिए। तो इसी तरह से इसके इम्पोर्टेंस आता है कि पुस्तकालय की स्थिति और पुस्तकालय का समय। अब हम आगे बात करते हैं पुस्तकालय फर्नीचर की। पुस्तकालय फर्नीचर तीसरा हमारा बिंदु है, पुस्तकालय फर्नीचर। प्रत्येक बिंदु पे एक स्टेटमेंट है रंगनाथन महोदय का, यहाँ पे भी आता है एक स्टेटमेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रथम सूत्र में वह कितना विश्वास करता है इसकी परख पुस्तकालय का फर्नीचर देख करके हर कोई पता कर सकता है। तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रथम सूत्र कितना विश्वास है
पुस्तकालय के फर्नीचर को देख करके पता लगा सकते हैं। आसानी से पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर रंगनाथन महोदय स्टेटमेंट देते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रथम सूत्र पर कितना विश्वास है या वो पुस्तकालय में अपने एक्टिवनेस को कितना देते हैं, तो उसका हमें पता फर्नीचर को देख करके ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। पहले पुस्तकालय में फर्नीचर का उपयोग न्यूनतम व्यय व न्यूनतम स्थान, इसको दिया जाता था। न्यूनतम व्यय से अर्थात कम खर्च में और न्यूनतम स्थान अर्थात फर्श से लेकर के पुस्तकालय की छत तक केवल भंडारण, पुस्तकों के भंडारण को ही महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति बदल चुकी है। इसी नियम के न्यूनतम व्यय और न्यूनतम स्थान के को ही बदल करके इसी सूत्र के जादुई तरीके से स्टैंडर्ड तय करके पुस्तकालय में फर्नीचर कैसा हो और किस तरह से व्यवस्थित हो, पुस्तकें किस तरह से उसमें रखी जाए, इस सूत्र को ही उन्होंने अप्लाइड किया। जिस तरह से हम देखते हैं कि दो अलमारियों के बीच साढ़े छह से अलमारियों की ऊंचाई दो रैंक दो रैक्स के बीच में कितना स्थान छोड़ा जाए, तो उसका स्टैंडर्ड है हमारे सामने 4.5 से 5 फीट। इसी तरह से अलमारी की ऊंचाई की बात करें अलमारियों की ऊंचाई 6.5 से 7 फीट, ये हमारे सामने मापदंड रहते हैं कि दो रैक्स के बीच में स्थान 4.5 से 5 फीट होना चाहिए और अलमारियों की जो ऊंचाई है वो 6.5 से 7 फीट तक ही होनी चाहिए, क्योंकि दो रैक्स के बीच में पाठक आसानी से घूम फिर सकता है और अपनी बुक को सेलेक्ट कर सकता है, जबकि पहले समय में केवल और केवल पुस्तकें भंडार के लिए ही यूज में आता था न्यूनतम व्यय और न्यूनतम स्थान को लेकर के। इसी तरह से अब हम बात करते हैं आगे कि फर्नीचर के साथ साथ में पुस्तकालय पुस्तकालय का रंग रोगन तथा साफ सफाई पर भी ध्यान देना आवश्यक रहे। पुस्तकालय में पाठक अधिक से अधिक समय का उपयोग हो पाठक के, और वह अधिक से अधिक पुस्तकालय का लाभ उठा सके और पुस्तकों को अधिक से अधिक उपयोग कर सके, जिसके लिए हर वो बिंदु
इस सूत्र में उन्होंने अप्लाई किया, इस सूत्र में उन्होंने जिसकी आवश्यकता उनको पाठक की जरूरत की आवश्यकता महसूस हुई उसी को उन्होंने इसमें डाल दिया। अब तक हमने तीन देखे, पहला देखा पुस्तकालय की स्थिति, अलग अलग विद्यालय महाविद्यालय सार्वजनिक पुस्तकालय की तो उनकी देखा। उसके बाद में हमारे सामने दूसरा आया था पुस्तकालय का समय, यूरोपियन वर्तमान के अभी यूरोपीय देशों में सर्वाधिक समय पुस्तकालय 24 घंटे भी खुले रहते हैं। तीसरा पुस्तकालय फर्नीचर और मुख्य बिंदु चौथा आता है आपका पुस्तकालय कर्मचारी। पुस्तकालय में पुस्तकालय कर्मचारी कैसा होना चाहिए? रंगनाथन महोदय बताते हैं कि पुस्तकालय कर्मचारी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पुस्तकालय को बिगाड़ सकता है और पुस्तकालय को आगे बढ़ा सकता है। पुस्तकालय कर्मचारी कैसे? पुस्तकालय कर्मचारी के स्वभाव के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया है कि पुस्तकालय का कर्मी का व्यवहार विनम्र हो, उसकी प्रवृत्ति क्रोधालु और झगड़ालु, क्रोधालु व झगड़ालु ना हो। इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि पुस्तकालय कर्मचारी का व्यवहार किस तरह से हो जो प्रत्येक पाठक को पुस्तक के उपयोग तक पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि पुस्तकालय का कर्मचारी ऐसा होना चाहिए जो प्रशिक्षित हो तथा विनम्र हो। वर्तमान संदर्भ में पुस्तकालय के प्राधिकारी गण, हमें यह देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में केवल अंधे व्यक्ति या बधिर, जिनको हम दिव्यांग की श्रृंखला में देते हैं, उन्हीं को यह काम दे दिया जाता था कि पुस्तकालय ये देख लेंगे। या फिर वर्तमान में हम देखें तो संविदा कर्मी या फिर अप्रशिक्षित जो पुस्तकालय में के विषय में कुछ भी नहीं जानते उन्हें इस काम के लिए दे दिया जाता। तो पुस्तकालय कर्मचारी की भूमिका पुस्तकों के उपयोग में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है कि पुस्तकालय का कर्मचारी ही हमें पुस्तकों के सही उपयोग की जानकारी दे सकता है। तो इसलिए हमारे सामने ये मुख्य बिंदु थे चार। इसके अलावा भी पुस्तकालय के संदर्भ में हम देखें तो अन्य बिंदु भी आते हैं, जैसे पुस्तकालय के नियम, पुस्तकालय के नियम, पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय के नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे प्रत्येक पाठक पुस्तकालय का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। पुस्तकालय के नियम सरल हो और पाठक सुगमता पूर्वक पुस्तकालय के नियम को फॉलो कर सके। दूसरा हम देखें प्रकाश व्यवस्था, पुस्तकालय में प्रकाश की व्यवस्था हो जिससे पाठक को किसी प्रकार की पुस्तक उपयोग में आसानी से 6-7 घंटे स्टडी करे। तो इस तरह से हमारे सामने ये आता है प्रथम सूत्र। और हमारे सामने क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस सूत्र से कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं तो पुस्तकालय कर्मचारी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्र हमने देखा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है समाज सेवा व व्यक्तिगत सेवा। पुस्तकालय कर्मचारी का व्यवहार समाज सेवा का तथा व्यक्तिगत सेवा का, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा का भाव होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया है
भगवान श्री कृष्ण का जो गीता में है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यह भी किससे संबंधित है? पुस्तकालय के कर्मचारी से, जो यह बताता है कि पुस्तकालय सेवा और व्यक्तिगत सेवा ही हमारा धर्म है, प्रतिफल की इच्छा नहीं है। दूसरा हम देखें तो एक स्टेटमेंट और आता है इसी तरह से, उसे हम देखते हैं। कि पुस्तकालय का कर्मचारी पुस्तकालय कर्मचारी को इतना वेतन मिलना चाहिए कि उसे कोई भी कम ना आके, क्योंकि जितना कम वेतन मिलता है तो पुस्तकालय कर्मचारी के प्रति भावना अलग ही होती है। तो पुस्तकालय कर्मचारी का वेतन भी आकर्षक हो, जिससे कि उसकी डिमांड को कोई वैसे व्यर्थ ना समझे। तो इसीलिए उन्होंने भी यहाँ पे कहा है, हेतु प्रमाण युक्तम वाक्यम न श्रूयते दृश्य। हेतु प्रमाण युक्तम, हेतु प्रमाण युक्तम, इस तरह से उन्होंने पुस्तकालय के कर्मचारी की तरह संदर्भ दिया। तो अब हम देखेंगे आगे हमारे दूसरे सूत्र में, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर इट्स बुक। इस सूत्र को शुरू करने से पहले हमें इन दो शब्दों पर गौर करना होगा कि ये दो शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। इस सूत्र को समझने से पहले हमें विशेष पाठक, प्रत्येक पाठक, प्रत्येक शब्द पे तथा उसकी शब्द पे हमें गौर करना चाहिए कि प्रत्येक शब्द क्या कहना चाह रहा है और उसकी क्या कहना चाह रहा है। तो हम बात करें प्रत्येक से, यहां प्रत्येक से अभिप्राय समाज के सभी वर्गों से, समाज के सभी वर्ग, अमीर गरीब कैदी रोगी ऊंच नीच का कोई भी भाव ना हो, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक, पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो प्रत्येक से अभिप्राय यहाँ पे लिया है समाज के सभी वर्ग, ना कि एक विशेष वर्ग। प्राचीन समय में केवल धनाढ्य व्यक्ति या उच्च शिक्षित को ही केवल उसका पुस्तक को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में उनका दूसरा जो सूत्र रंगनाथन महोदय का देने का तात्पर्य है
कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो यहाँ पे प्रत्येक से उन्होंने यह कहा है कि समाज के सभी वर्ग, अमीर गरीब, कैदी रोगी या निरक्षर। सभी को पुस्तक उपयोग करने का अधिकार है और सभी को होना भी चाहिए। और दूसरा हमारे सामने आता है कि उसकी उसकी से हमें अभिप्राय है कि उसकी पुस्तक कैसी हो। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो उसकी से तात्पर्य रंगनाथन महोदय ने कहा है कि पाठक की रुचि। उसकी से तात्पर्य रंगनाथन महोदय ने कहा है कि पाठक की रुचि, जिस पुस्तक को पढ़ने के लिए पाठक आया है उसको उसकी रुचि की पुस्तक पुस्तकालय में मिलनी चाहिए। अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करें तो उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल बाल कक्ष भी मिलेगा, वृद्धावस्था के भी मिलेगा, प्रौढ़ अवस्था भी मिलेगा, युवा अवस्था भी मिलेगी। तो सभी के अकॉर्डिंग हमें पाठकों की रुचि के अकॉर्डिंग पुस्तकों का चयन करना होगा और उसको पुस्तक मिलनी चाहिए। इन दो के बाद में अब हम आगे देखें तो कुछ बिंदु आते हैं जो रंगनाथन महोदय ने इस सूत्र में दिए हैं। उनको हम देखें दूसरे सूत्र में रंगनाथन महोदय ने हमें किस तरह बताया। पहला है उनका आया है सरकार के दायित्व। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जिसमें उन्होंने पहला बिंदु लिया है कि सरकार के क्या दायित्व होने चाहिए और इसमें पाठक को वो पुस्तक कैसे मिले। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, जिनमें सरकार का एक अहम दायित्व यह भी है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, पठन और पाठन के लिए सरकार उत्तरदायी हो। तो उन्होंने उसके लिए आपके तीन संदर्भ दिए हैं कि पुस्तकालय में के पाठक को पुस्तक मिले उसके लिए सरकार तीन का प्रबंध करे। पहला उन्होंने कहा वित्त का प्रबंध करे, पर्याप्त मात्रा में बजट, दूसरा पुस्तकालय अधिनियम जारी करे, और तीसरा उन्होंने कहा समन्वय। समन्वय से तात्पर्य पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा दे। पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा दे। तो अब हम बात करते हैं वित्त की। तो प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह वित्त प्राप्त करे। तो वित्त किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है सरकार के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पे भी दो दिए हैं। पहला कि सरकार एक निर्धारित बजट पेश करे कि प्रत्येक पुस्तकालय को इतना बजट दिया जाएगा उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो या तो वह एक निर्धारित बजट तैयार करे सरकार सौंपे पुस्तकालयों को, या दूसरा टैक्स, एक प्रत्येक नागरिक पे एक निर्धारित टैक्स लगा दिया जाए जिससे पुस्तकालय के विकास में वित्त मिलता रहे। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि पुस्तकालय अधिनियम, किसी भी चीज के लिए अधिनियम को जब तक जारी नहीं करते जब तक पुस्तकालय उसी स्थिति में नहीं चल सकते, सरकार को कोई भी कदम उठा यानी विकास के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के या पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम लागू होना
अति आवश्यक है उसके विकास क्रम को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले उसके सुचारू रूप से पुस्तकालय अधिनियम का होना आवश्यक है। वर्तमान में हम देखें तो 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं भारत में, और तीसरा उन्होंने दिया है कि समन्वय और पुस्तकालय सहयोग। इसकी बात करें तो रंगानाथन महोदय बताते हैं कि पुस्तकालय को कितना ही बजट क्यों ना दे दिया जाए, वित्त का प्रावधान कितना ही क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन स्थानीय सरकारों के सहयोग यानी जितने पुस्तकालय है नगर में उनके आपसी सहयोग की तुलना को हम अगर बढ़ावा नहीं देते हैं तब तक प्रत्येक पाठक तक उसकी पुस्तक पहुंचना दुर्लभ है। तो इसी तरह से हमने देखा पहला सूत्र जिसमें भी चार बिंदु थे, उसके बाद में अन्य बिंदु पर भी जोर दिया, और यहाँ पर भी हमारा पहला आया कि सरकार के क्या दायित्व है, तो उसमें तीन चीजें दी, वित्त, पुस्तकालय अधिनियम और पुस्तकालय सहयोग। अब हम बात करते हैं आगे दूसरा हमारा रहेगा बिंदु, रंगानाथन महोदय ने दिया है कि प्राधिकरण के करण के दायित्व, यहां प्राधिकरण से तात्पर्य हम समझते हैं कि प्राधिकरण के दायित्व वर्तमान में पुस्तकालय निर्माण में प्राधिकरण द्वारा ही नीतियों का क्रियान्वयन होता है। सरकार में प्राधिकरण में नीतियों का लागूकरण, जैसे पुस्तकालय को बजट, किस पुस्तकालय को कितना बजट जारी करना है, और दूसरा पुस्तकालय भवन उपलब्ध करवाना, इनके साथ साथ पुस्तकालय में पुस्तकालय के कर्मचारियों के किस तरह से दायित्व हो, उन सभी को रंगनाथन ने इसमें बताया है। तथा वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो कोई भी अधिकारीगण अपने दायित्वों को निभाना नहीं चाहता, और जो कि दूसरे सूत्र की अवहेलना होती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का दायित्व होना चाहिए कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसके लिए उन्होंने इसमें भी दो दिए प्राधिकरण के दायित्व में, पहला पुस्तक का चयन और दूसरा कर्मचारी का चयन। प्राधिकरण के दायित्व में उन्होंने बात की कि पुस्तक का चयन ऐसा हो कि प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि के अनुसार, पाठक की मांग के अनुसार, पाठक की मांग भी कैसी, वर्तमान और भविष्य दोनों को ही ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में पुस्तक चयन को दे, और दूसरा पुस्तकालय कर्मचारी का चयन उसकी योग्यता, उसके वेतनमान और उसके प्रशिक्षित योग्यता को लेकर के उन्होंने मापदंड दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग पुस्तकालय के कर्मचारी का चयन उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि प्रत्येक पाठक को वह कर्मचारी आसानी से उसकी पुस्तक को उपलब्ध करवाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होगी हमने प्रथम सूत्र में भी इसका प्रमुख रूप से प्रथम सूत्र में भी उपयोग देखा था कि वहां पे भी कर्मचारी का चयन आया था प्रथम सूत्र में। आगे भी हम देखेंगे
कि चौथे सूत्र में भी चतुर्थ सूत्र जो आएगा हमारा उसमें भी हम देखेंगे कि इसी कर्मचारी की भूमिका वहां पे भी हमें दिखाई देगी। तो अंतिम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अभी आप इनमें कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है समझाया जा रहा है वैसे वैसे आप समझते जाएं। और अंत में हम देखेंगे कि मिश्रित जो स्वरूप रहता है कि किस सूत्र का किसमें विशेष योगदान है और वह किस सूत्र के लिए है और बाकी अन्य भूमिका में वह किस किस के साथ में जा सकता है। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे। अभी बात करते हैं हम दूसरे सूत्र पे कि यहाँ पे हो गया पुस्तकालय का चयन, पुस्तकालय में कर्मचारी का चयन और पुस्तक का चयन। तीसरा हमारे आते हैं कुछ पाठक के दायित्व। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले इस पे हम विशेष ध्यान देते हैं। तो दूसरा रहता है कि पाठक के दायित्व भी उस पुस्तक के प्रति होने चाहिए। अक्सर हमें देखा जाता है कि पाठक पुस्तकालय से उस पुस्तक को ले जाता है लेकिन वापस या तो वह समय से जमा नहीं करवा पाता या फिर उस किताब की तोड़ मरोड़ करके या बीच में से पेज फाड़ देना, यह भी पाठक के उचित दायित्व नहीं है। क्योंकि उसके आपके जमा करवाने के बाद में जो पाठक लेकर के जाएगा वह उस पुस्तक का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसी में यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, उसमें सभी चार प्रकार के दायित्व बताए हैं कि यहाँ पे कर्मचारी के दायित्व भी इसी में शामिल है, कर्मचारी के दायित्व। इसी सूत्र में उन्होंने कर्मचारी के दायित्व, पाठक के दायित्व, प्राधिकरण के दायित्व और सरकार के दायित्व। दूसरे सूत्र में प्रमुख रूप से प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक कैसे मिले उन सभी के दायित्वों पर जोर दिया गया है। पहले सूत्र को हमने देखा आज और अभी हमने दूसरे सूत्र में देखा कि सभी किस तरह से सुयोजित ढंग से एक एक बिंदु को रंगानाथन महोदय ने किस तरह से बखूबी उन्होंने अपने इन सूत्रों में हर एक एक बिंदु को सहज तरीके से लिया है और समझाने का प्रयास किया है कि पुस्तकालय की महत्ता कैसे बढ़े और किस तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय में निरंतर काम करे और उसका अधिक से अधिक पाठकों को लाभ हो। तो साथियों आज हमने बात की पुस्तकालय के प्रथम सूत्र और द्वितीय सूत्र पे। यह आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे हम चर्चा करेंगे 3, 4 और 5 की। उसके बाद में हम इस पे ही अप्लाइड 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर नंबर 12 में आ रहे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।